जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और आज का जो राशिफल है हम बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के, वृषभ जिसे आप इंग्लिश में टॉरस भी बोलते हैं, उन लोगों के बारे में आज मैं बताऊंगी कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ये पूरा मार्च आपके लिए कैसा रहेगा। अगर हम बात करेंगे स्वास्थ्य की तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। और अगर हम बात करेंगे धन संपत्ति की, परिवार की, प्रेम की, व्यवसाय की और वैवाहिक जीवन की, मुझे लगता है अमूमन आपका टाइम बहुत अच्छा है, ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं पड़ रही है, दिखाई दे रही है। और थोड़ा बहुत ओपन डाउन से सभी की लाइफ में चलता रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो आपका स्वास्थ्य नॉर्मल रूप से अच्छा रह सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई बड़ी बीमारी की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, मानसिक रूप से आप कोई तनाव पाल सकते हैं, किसी बात को लेकर डेप्थ में जा सकते हैं, किसी बात की जड़ पकड़ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हुआ, उसको लेके आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। मानसिक रूप से अगर आप थोड़ा सा मजबूत हो तो फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मानसिक रूप से अगर आप परेशानियों पर ध्यान ना दें तो आपका फिर परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है। दान पुण्य करने से आपको लाभ मिलेगा और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर होगी जैसा मुझे लगता है। और मानसिक रूप से आपको संतोष मिलेगा। प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है धन संपत्ति की। अगर हम बात करें तो आपके पास आसानी से पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपको किसी का पैसा वापस करना है तो आपको पैसा वापस करने की गुंजाइश बनती है। आप किसी को पैसा अगर ले रखा है तो वापस कर देंगे, अगर किसी ने आपका पैसा मारा है तो वो भी आपको वापस कर देगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। और साथ साथ में परिवार की बात करें तो परिवार के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। छोटे मोटे नोक झोंक तो देखो सभी घर में होता है, हमारे घरों में भी होता है, उसको छोड़ दे तो बड़ा ऐसा कोई मुझे दिखता नहीं है व्यवधान आपका। आपका जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपका समायोजन अच्छा रहेगा, आपका जो फैमिली लाइफ है अच्छी चलने वाली है। यहाँ तक हम प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के बारे में मैं आपका देख जो रही हूँ, जो देख पाती हूँ उसके अकॉर्डिंग, जैसे भी आप प्यार करते हैं उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि आपका कोई अहम भाव या आपकी जो एक होती है ना, हम लोग ज़्यादा समझ लेते हैं ज़्यादा कैसे, कि जैसे आपका गर्लफ्रेंड या आपकी बॉयफ्रेंड कहती है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे बहुत शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरे माँ बाप माने तो ही मैं शादी करूँगा वरना मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। ये एक सामने वाले ने आपको बिल्कुल क्लियर कट टू कट एक तरह से अनजाने में बोल दिया। अब आप सोचते हैं ठीक है, लव रिलेशनशिप चलता रहे, क्या पता ये मान जाए, क्या पता इसके माँ बाप मान जाए, क्या पता इसकी फैमिली मान जाए, क्या पता ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके मुझसे शादी कर ले, आप वहीं धोखा खाते हैं। जब भी आपको आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपका साथी पहले ही बोल दे कि मेरी तुम्हारी शादी मुश्किल है क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, अगर वो मान गए तो मैं शादी कर लूँगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपको पूर्ण रूप से ना ही कर रहा है। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए जो लोग आपको इस तरह से बोलते हैं, कुछ कहते हैं ना मेरी मम्मी मान जाएगी तो मैं शादी कर लूँगा, मेरे पापा मान जाएंगे तो मैं शादी कर लूँगी। तो मान जाएंगे क्या मतलब, तो आपने उसके पापा मम्मी से प्यार थोड़ी किया है, या जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आई थी तो क्या वो अपने पापा और मम्मी से पूछ के आई थी, नहीं ना। तो ऐसे लोगों के साथ फिर आप सोचते हैं मान जाएगा और वो कभी नहीं मानते क्योंकि वो पूरी तरह से अपने माँ बाप पर डिपेंडेंट है, तो उनके माँ बाप ने जैसे ही डंडा किया तो वो आपका नंबर स्विच ऑफ कर देते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं और फिर आप परेशान हो जाते हैं, फिर कभी आप किसी तांत्रिक के पास भटकते हैं तो कभी मेरे पास भटकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका साथी कितना आपके साथ ट्रू है। और ज़्यादा हम बात करेंगे व्यवसाय की बात, तो व्यवसाय आपका बढ़िया चलने वाला है, आपका काम होगा, जो भी आप किसी भी चीज़ में डालना चाहते हैं हाथ डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं, सैर सपाटे पे जा सकते हैं, नए विचारों को आप अपने जो आपका ये जो
जो भी लाइफ है, जिसमें भी आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जो कॉस्मेटिक बेच रहे हैं, चाहे आप लोहे का काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा ही होगा। ज़्यादा व्यवसाय के साथ वैवाहिक जीवन का संबंध है, तो वैवाहिक जीवन में भी मैं आपको बात करना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपनी कोई भी बात साथी पे थोपने से बचें, बहस ना करें और किसी बात पे भी। अच्छा, मैंने हमेशा से बोला है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके साथी के साथ आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो यही होता है, चुप हो जाओ। अगर आप चुप हो जाएंगे तो आपका साथी थोड़ी देर बोल लेगा, दो घंटे बोल लेगा, उसके बाद नहीं बोलेगा। लेकिन अगर भी आप उसको जवाब देते हैं पलट के, आप उससे बहस करते हैं, तो रिलेशनशिप खराब होता है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ, अगर आपका साथी आपसे नाराज़ है, किसी बात पे बहस कर रहा है, चिढ़ा हुआ है, कुछ बक रहा है, तो उसे बोलो ही मत, बात ही मत करो, तो आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये आपकी प्रेडिक्शन बताई है मार्च के महीने की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ और आपका प्रेम संबंध आपके पति के साथ, पत्नी के साथ संबंध अच्छा बना रहे, तो आपको भगवान श्री जो कृष्ण जी हैं और राधा जी हैं, उनके मंदिर में जाके माथा टेको, सुबह शाम मधुराष्टक का पाठ करो, इससे आपको लाभ मिलेगा। मधुराष्टक का लाभ बहुत अच्छा होता है, मधुराष्टक पढ़ने से आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम हो जाता है और आपका प्यार वापस आता है। जब तक शुभ रंग की बात करेंगे, तो शुभ रंग है आपका पारदर्शी गुलाबी रहेगा। गुलाबी रंग के जितने आप कपड़े पहनेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा, और आपका जो लकी कलर होगा, लकी नंबर जो होगा वो होगा नंबर 6। नंबर 6 से अगर आपको काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। अभी समस्या हो तो आप 8126476399 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और घड़ी घड़ी कॉल और मैसेज मत करिएगा। थैंक यू सो मच।